नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में हिंसक रहा श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव। बड़गाम में पुलिस के साथ झड़प में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत। गांदरबल में जवानों पर फेंके गए पेट्रोल बम। राम मंदिर पर हैदराबाद से बीजेपी विधायक ने फिर भड़काए विवादों की चिंगारी। टी राजा सिंह बोले, राम मंदिर का विरोध करने वालों का काट डालेंगे सिर। राम मंदिर नहीं बना तो भुगतने होंगे परिणाम। राहुल के गढ़ अमेठी में दहाड़ी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा राहुल को युवराज की पदवी देना लोकतंत्र का अपमान। राहुल ने कभी लोगों के विकास के बारे में नहीं सोचा। गंगा सफाई पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कानपुर और उन्नाव से चपड़ा उद्योग होगा ट्रांसफर। योगी से मुलाकात में बोली उमा भारती, अखिलेश ने अभियान में पैदा की थी कई बाधाएं। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने अजमेर दरगाह पर की जियारत। दुनिया में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। राजस्थानी अंदाज में लोगों ने किया शानदार स्वागत। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर महिला आईएएस ने उठाए सवाल। कहा विदेशियों के कहने पर ही पीएम ने चलाया सोच मुक्त अभियान। बीजेपी सांसद ने भी किया समर्थन। बोले आईएएस ने कुछ गलत नहीं कहा, पहले भी संसद में उठा चुके हैं मुद्दा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्टेशन की पार्किंग में भयंकर आग। करीब 500 गाड़ियां जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। 10 रुपए के नकली सिक्कों की अफवाह पर आरबीआई ने तोड़ी चुप्पी। कहा 10 के सभी सिक्के हैं वैध, नहीं लेने वालों पर दर्ज होगा देशद्रोह का मामला। भारत और चीन के रिश्तों में आएगी मिठास। दोनों देशों की नौसेना ने मिलकर समंदर में लुटेरों को दिया जवाब। जहाज को बचाने पर चीनी सेना ने भारत को कहा शुक्रिया। और हॉकी लीग राउंड 2 के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम। मैच जीतकर टीम ने विश्व लीग सेमीफाइनल के लिए किया क्वालीफाई। बेलारूस के खिलाफ 4-0 से दर्ज की शानदार जीत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।